व्यवस्था यहाँ कर रखी है ना सर, काबिले तारीफ है। इसकी जितनी तारीफ करें कम है। नहीं, ये है ना, मेडिकल फैसिलिटी भी, मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये तो सब किसान भाइयों के सहयोग से है। और कुछ लोग ये पूछते हैं, मैं खासकर आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमें फंडिंग कहाँ से होती है। तो फंडिंग का पहला हमारा जो है कि हमारे गुरुओं ने कहा है कि अपनी कमाई का दसवां हिस्सा निकाल करके लंगर के लिए दो। तो पहली फंडिंग तो हमारी वहाँ से होती है कि हम अपनी कमाई का दसवां हिस्सा देते हैं। दूसरी फंडिंग जो हमारे भाई विदेशों में गए हुए हैं, वहाँ पे 18-18 घंटे काम करते हैं, काम करके वो वहाँ से भेजते हैं, तो वहाँ से हमारी फंडिंग होती है। तीसरी फंडिंग खालसा एड, जो हर जगह पर जिन्होंने लंगर लगाए, चाहे वो कोरोना महामारी का समय हो, चाहे फिर केरल में कोई बाढ़ आई हो, तो यहाँ पहाड़ों पर बाढ़ आई थी, वहाँ भी खालसा एड ने अपने लंगर लगाए थे और वो यहाँ भी सहयोग कर रहे हैं। तो उन सब के सहयोग से यहाँ लंगर चल रहे हैं। तो जी, तो इस वक्त जी सकते हैं उतना कर रहे हैं जी। 8 तारीख में भारत बंद था, धरने दिए, हमारे खिलाफ़ मुकदमे लिखे गए। अच्छा, अब परसों जब हमारे आदमी आए हैं यहाँ, तो उन्हें बिजनौर में फिर रोक दिया गया, मगर वो ज़बरदस्ती, क्योंकि काफ़ी बड़ा काफिला था तो वो उनसे रुक नहीं पाए, ज़बरदस्ती रोक आए हैं, बैराज में रोक लिया गया। हाँ जी, और सबसे बड़ा ना, जो आपने कहा कि अपना किधर से आ रही है एड्स, गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने, हाँ जी कालू जी ने गुरु नानक देव जी को 20 रुपये दिए थे व्यापार करने के लिए। उस 20 रुपये से उन्होंने व्यापार शुरू करा था लंगर का, और वो लंगर जो सा था 20 रुपये का जो सा शुरू किया हुआ था, वो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक वो 20 रुपये का लंगर वो चलता रहेगा। आज जो जितना भी लंगर चल रहा है, जितने भी कार सेवा वाले हमारे महापुरुष हैं, ये सारा गुरु नानक देव जी का ही सारा उसका नाम के लिए चलाया हुआ है। ये जब तक संसार मतलब रहेगा, जब तक ये लंगर ख़त्म नहीं होने वाला, या पूरी दुनिया आन के इसको लंगर को खाती रहे, ये जगह 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 ये चलते रहेंगे, चल रहे हैं। और ये सारा ही तो देखिए, गाजीपुर पर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये धरना चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है यहाँ पर, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। DPP न्यूज़ आपको सीधी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहा है। और यहाँ पर हमने तमाम किसान भाइयों से बात की, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि अगर सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती तो हम जब तक यहीं रहेंगे, अगर वापस ले लेती है तो हम खुशी से अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अगर वापस नहीं लेती है तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, अभी आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आप DPP न्यूज़ के साथ।